हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हाजी विद ख्वाहिश। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हमने 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाई है। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है जिसकी कटिंग करके हमने ले लिया है। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 40 इंच रखी है। ये ड्रेस आप 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ईजिली पहना पाएंगे। अब हमें इसकी दोनों साइड्स को फोल्ड दे देना है। देखिए, ऐसे करते हुए हमें ऐसे फोल्ड देना है। तो चलिए फोल्ड दे देते हैं। हमने इसके दोनों साइड्स को नीचे की साइड पे फोल्ड करके ले लिया है। अब हमें इसे ऐसे उल्टा कर लेना है और देखिए यहाँ नीचे से भी हमें फोल्ड देना है। देखिए, एक फोल्ड ऐसे देंगे और सेकंड फोल्ड ऐसे देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फोल्ड दे देते हैं। हमने इसे नीचे की साइड से फोल्ड करके ले लिया है। अब हमें प्लेट्स डालनी है। देखिए, हमें फैब्रिक को ऐसे उठाते जाना है और ऐसे पास पास में प्लेट्स डालते जाना है, बिल्कुल ऐसे। तो चलिए प्लेट्स डाल लेते हैं। हमने देखिए प्लेट्स डाल के ले लिया है। हमें यहाँ के लिए नेफा रेडी करना है। नेफा रेडी करने के लिए हमने ये पट्टी ली है। इसकी लंबाई हमने 14 इंच रखी है, चौड़ाई हमने इसकी 1.5 इंच रखी है। अब हम स्कर्ट लेंगे। स्कर्ट को यहाँ ऐसे ही रखना है, पट्टी को यहाँ पे ऐसे उल्टा करते हुए यहाँ पे मशीन की हेल्प से ऐसे पूरे में अटैच कर लेना है। देखिए, यहाँ पे पट्टी को अटैच करके ले लिया है। अब हमें इसे ऐसे नीचे की साइड पे पलट लेना है और देखिए पट्टी को हमें यहाँ पे ऐसे करते हुए फोल्ड देना है, पूरी पट्टी को। तो चलिए फोल्ड दे देते हैं। हमने यहाँ पे नेफा रेडी करके ले लिया है। अब हम टॉप रेडी करेंगे। देखिए, टॉप बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। लंबाई हमने 4 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 2.25 इंच रखी है। अब हमें फैब्रिक को ऐसे, देखिए ऐसे फोल्ड देना है। हमने इसे फोल्ड करके ले लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हमें ऊपर की साइड में ऐसे एक प्लेट डाल लेनी है। तो चलिए यहाँ पे ऐसे प्लेट डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे प्लेट डाल के ले ली है। अब हम रिबन लेंगे। रिबन की हेल्प से हमें यहाँ पे इसे ऐसे लॉक कर लेना है। हमने यहाँ पे लॉक करके ले लिया है। जो इधर से एक्स्ट्रा रिबन था उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हमें इसके दोनों साइड्स को भी लॉक करना है। साइड्स को लॉक करने के लिए देखिए हमने ये रिबन के 2 पीसेस लिए हैं जिसकी लंबाई हमने 7 इंच रखी है, ये देखिए। अब हमें रिबन को यहाँ पे ऐसे करते हुए देखिए लॉक कर लेना है, पूरे को ऐसे करते हुए। यहाँ से भी हमें ऐसे ही ऐसे करते हुए फोल्ड दे देना है। देखिए, हमने इसके यहाँ पे रिबन को लगा के ले लिया है। अब हम टॉप को स्कर्ट के साथ में अटैच करेंगे। देखिए, स्कर्ट को हमें ऐसे फोल्ड देना है। इसका मिडल लेंगे, मिडल में हमें चोप की हेल्प से ऐसे निशान लगा लेना है। ऐसे ही टॉप को फोल्ड देंगे और बीच में हमें ऐसे निशान लगा लेना है। देखिए, अब टॉप को हमें यहाँ पे जो निशान है उसे निशान के पास में ही ऐसे करते हुए यहाँ पे सिलाई देते हुए हमें अटैच कर लेना है।
देखिए हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम कैप रेडी करेंगे। देखिए कैप बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है, लंबाई भी हमने इसकी 3.5 इंच रखी है। इसे हमें ऐसे फोल्ड देना है और इसकी हमें गोल शेप में कटिंग कर लेनी है। हमने इसकी गोल राउंड में कटिंग करके ले ली है। अब हमें रिबन लेना है। रिबन की हेल्प से हमें इसकी ऐसे देखिए ऐसे इसकी साइड्स को लॉक कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पे रिबन को लगा के ले लिया है। अब हमें इसके मिडल में गोल निशान लगा लेना है। देखिए हमने यहाँ पे गोल राउंड में निशान लगा के ले लिया है कि जो उल्टी साइड है वहाँ पे हमने निशान लगाया है। अब हम लास्टिक लेंगे। लास्टिक को देखिए यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे रखते हुए पूरे को ऐसे स्टिच करते हुए लगा लेना है। देखिए हमने यहाँ पे इलास्टिक को लगा के ले लिया है। हमारी कैप बनके रेडी हो गई है।